अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है रिजिक्स टैबलेट। रिजिक्स टैबलेट 10 mg के इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका डोज क्या है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं रिजिक्स टैबलेट 10 mg का रिव्यू। रिजिक्स टैबलेट की पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये AGP फार्मा कंपनी की प्रोडक्शन है। ये एक एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो कि हर किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें सिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। सिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, यानी ये एंटी एलर्जिक एजेंट है। ये ब्रेन से रिलीज होने वाले एलर्जिक मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन की रिलीज को कम करता है H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और इस तरह से हिस्टामिन जो कि एलर्जी कॉज करता है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है। इस तरह से ये हर किस्म की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पैक की बात करें तो इसमें 30 टैबलेट्स मौजूद होती हैं, जिसकी प्राइस 148 रुपीज है। इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ है 4 सीजन्स एंड 1 सोल्यूशन, यानी 4 सीजन्स का मतलब ये है कि जो हमारी सीजन्स की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से जो एलर्जी होती है, उन तमाम किस्म की एलर्जी में रिजिक्स टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। मौसम की तब्दीली की वजह से जो एलर्जी होती है उसमें रिजिक्स टैबलेट बहुत ज्यादा मुफीद है। अब एलर्जी जो है उसमें वो किस तरह की हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह के एलर्जी में आपके आईज में बहुत ज्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है, वाटरी आईज हो जाती है, उसके अलावा आईज में बहुत ज्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नोज में कोई आपके इचिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, नोज की एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। गले की खराश में इसको इस्तेमाल किया जाता है, गले में आपकी कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रनी नोज यानी बहती हुई नाक में की केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्नीजिंग में यानी आपको बहुत ज्यादा छींके आ रही है, आपको कफ हो गया है, फ्लू हो गया है, फ्लू के केस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के केस में, नजला जुकाम, खारिश, इस तमाम कंडीशंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्किन पर कोई एलर्जी हो गई है, स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पर रेडनेस हो गई है, आप उस केस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हर किस्म की एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये थे तमाम बेनिफिट्स इसके। अब बात करते हैं कि इसके इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। सिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड आप रोजाना 1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इन तमाम कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा सीवियर एलर्जी है तो आप इसको दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद या खाने से पहले भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूवर्स, उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको नींद आ सकती है, आपको बहुत ज्यादा थकावट फील हो सकती है, आपके स्टमक में पेन हो सकती है, ये इसके उसके अलावा हेडेक हो सकती है, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। व्यूवर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो वो लोग जो इसके सिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड से एलर्जिक हैं या किसी को लिवर डिसऑर्डर है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, इसे तमाम इन्फॉर्मेशन रिजिक्स टैबलेट के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।